दिल्ली स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन और मिस्टर दिल्ली बने हैं लोकेश जी। जी हाँ, ये वो तीन बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इनाम जीता है, और हम सीधे जुड़ना चाहेंगे लोकेश जी से जो मिस्टर दिल्ली बने हैं। लोकेश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या कहना चाहेंगे इस तमाम आयोजन को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी NIU टीम के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा, और मेरा ये कॉम्पिटिशन अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, और मैं सभी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा, और बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स जी। और फर्स्ट रनर अप रहे त्यागी जी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे उनका कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे इस तमाम आयोजन को लेकर? देखिए, ये जो आयोजन था बहुत ही अच्छा था, और नए नए जो जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट, आगे उमंग भाई और भी अच्छा कराएंगे, तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बढ़िया आयोजन था जी। और साजिद खान हमारे साथ हैं जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है दिल्ली स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल, जानना चाहेंगे साजिद भाई कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार कॉम्पिटिशन हुआ है, मतलब पहली बार में इतना कोई काबू कर नहीं पाता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम करा, मैं बार बार खेलूंगा उनका कॉम्पिटिशन जहाँ भी होगा जी। बहुत अच्छे, और देखिए तारीफ की जा रही है इस आयोजन को लेकर के, जिस प्रकार से यहाँ विभिन्न सेलिब्रिटीज जुड़े थे, और तमाम रात के 11 बजे हैं, यह दिल्ली स्टेट इस समय समापन हो चुका है, तीनों प्रतिभागियों से हमने बात की है, समस्त आयोजन की प्रशंसा की जा रही है, आयोजकों की यहाँ तारीफ की जा रही है, और हमारे साथ इस सारे आयोजन को लेकर के लगातार सक्रिय रहे ये ऊर्जावान उमंग कात्याल जी, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा इवेंट हमें यहाँ देखने को मिला। उमंग जी क्या कहना चाहेंगे तमाम आयोजन को लेकर? मैं जितने भी हमारे यूथ आए थे यहाँ पे उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरा पहला इवेंट था नांगलोई में, इस साइड हमारे एरिया में आज तक इवेंट ऐसा नहीं हुआ है जी, हमारा पहला इवेंट था, मेरे को पूरी मेरी टीम का बहुत सपोर्ट था, सबको पूरे दिल से थैंक्स है, और जितने भी लोग आए थे सबने बहुत कोऑपरेट किया, हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स भी बहुत जुड़े थे, मैं अपने स्पॉन्सर्स का थैंक करना चाहूंगा जी जी, रघु भाई आप इनसे भी एक दो सवाल पूछिए जी। और देखिए किसी भी इवेंट के की सफलता में सबसे बड़ा योगदान रहता है स्पॉन्सर का, स्पॉन्सर शब्द एक ऐसा शब्द है जो खिलाड़ियों को सही मायने में प्रेरित करता है, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सर क्या नाम है आपका? रघु वर्मा। रघु जी कैसा लगा आपको जो इवेंट था, कैसा इसमें प्रतिभागियों को लेकर के, और मैं आपसे पूछना चाहूं इसकी सफलता है सफलता क्या रेटिंग देंगे आप? इसकी रेटिंग तो ऑब्वियसली 100/100 है, बिकॉज लाइक और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, और बहुत खुश भी हूँ, बहुत ब्लेस्ड भी फील कर रहा हूँ कि मुझे अपना उमंग जी ने इनवाइट किया स्पेशली, और स्पेशली हम इतने साथ लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और अच्छा फिटनेस को बूस्ट कर रहे हैं, यूथ को बूस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा आने में। इनफैक्ट मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, तो मुझे भी पता है कि एक एथलीट का एक स्टेज पे आके परफॉर्म करना कितना टफ होता है, कैसे डाइटिंग करनी पड़ती है, कैसे हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना डेडिकेशन चाहिए, हर डिसिप्लिन चाहिए, हर चीज़ को लेके, तो इतना ज़्यादा हो गया है, और अब जाके इतना ज़्यादा यूथ के प्रति लोग फिटनेस के प्रति इतना ज़्यादा हो गए हैं, और ज़रूरी होना भी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से यहाँ स्वयं एक एथलीट रहे हैं, और इन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और तमाम जितने दर्शक साथी हमसे जुड़े रहे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण इवेंट में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, हम तमाम दर्शकों को, बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए सभी कोच साहिबान को, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं देते हैं, ताकि इस तरह के, मैं उमंग कात्याल को दोबारा बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन जब जब होते रहते हैं युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, वैष्णों से दूर रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में आज क्रेज बन चुका है, मैं चाहे वैश्विक स्तर की बात करूं, आज बॉडी बिल्डिंग को लेकर के ना केवल ग्रामीण क्षेत्र अपितु शहरी क्षेत्र के युवा आगे आ रहे हैं और कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं। दोबारा जुड़ना चाहेंगे उमंग जी से? मैं एक बार फिर अपने जितने भी स्पॉन्सर्स सबका थैंक्स करना चाहूंगा, फिट वॉल्फ कंपनी का, हॉर्स बम का, नील मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है अमेरिका से, उनका थैंक्स करना चाहूंगा, उन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने मुझे चेन भी गिफ्ट की, और मैं रघु भाई का भी बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, ऐसे अगर स्पॉन्सर्स मिलते रहे हमें आगे और हम सबका यूथ का हमारा सपोर्ट रहा तो हम बहुत अच्छा अच्छे इवेंट करवाएंगे, स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर लेके जाएंगे जी। और देखिए जिस प्रकार खेल भावना एक खिलाड़ी के मन में होती है, और आज उमंग कात्याल की इस पूरी टीम ने, आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी के नाम यहाँ पर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, टिंकू तैलान, ध्रुव अरोड़ा, सौरभ लांबा, ध्रुव मित्तल, विजय बेनीवाल, अंकित लाकड़ा, तमाम ये साथी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना सफल आयोजन किया है।